पर मरुधरा में पर्यटन का बूम। वेलकम 2023। पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है। सैलानियों का नया रिकॉर्ड, कड़ाके की सर्दी के बीच पावड़ों ने जमकर लुफ्त उठाया है। क्योंकि राजधानी की बात की जाए या फिर राजस्थान की बात की जाए, देश विदेश में यहाँ से पर्यटक आते हैं। देश विदेश के पर्यटक यहाँ लगातार पहुंचते हैं, क्योंकि जिस तरह की संस्कृति राजस्थान की है, और चलिए इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ तीन अलग अलग जिलों से सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले जोधपुर से हमारे साथ शिव प्रकाश जुड़े हैं, तो हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापत, तो वहीं हमारे साथ जैसलमेर से सूर्यवीर जुड़े हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करना चाहेंगे। राजीव जी, देखिए जोधपुर की अगर बात की जाए, जी जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, आपका रुख सबसे पहले करना चाहेंगे, किस तरह से जोधपुर में पर्यटक पहुंच रहे हैं लगातार, और किस तरह से वहां न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आज किया जा रहा है। पर्यटक जी, मैं बताना चाहूँगा, अगर जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर में जो सैलानी आते हैं वो पहली पसंद जोधपुर को करते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में देसी और विदेशी सैलानियों ने नए वर्ष का जश्न मनाया है, और आप देख सकते हैं कि आप सुबह मेहरानगढ़ में जो सैलानियों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह से ही हज़ारों जो पर्यटक हैं वो यहाँ आ चुके हैं। मेहरानगढ़ की ऐतिहासिक स्थापत्य कला है उसको निहार चुके हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ सैलानियों के स्वागत के लिए जोधपुर में जिस तरह से तैयारियाँ की जा रही थी, कुछ ऐसी ही तैयारियाँ यहाँ की जा रही है। और यहाँ उन्होंने नए साल का जश्न मनाया, और अब सुबह यहाँ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है वो यहाँ देखे जा रहे हैं। बिल्कुल शिव प्रकाश, हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत भी जुड़े हैं। कमलेश, देखिए माउंट आबू पर्यटन नगरी के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है, वहां किस तरह से न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया गया और आज की क्या तस्वीरें हैं माउंट आबू में? देखिए शिखा, 2023 का आगाज देर रात्रि को हो चुका था, तो माउंट आबू में पर्यटकों की भारी संख्या देखने को मिल रही थी। जो माउंट आबू का जो ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड है, वहां पर राजस्थान पर्यटन नगर पालिका और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मेगा कल्चरल नाइट का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आने वाले तमाम पर्यटक थिरकते हुए नजर आए। और हाल फिलहाल का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा, सहयोगी राज मेरे साथ हैं, जो माउंट आबू की इस नक्की झील पर देखिए, जो सैलानियों का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। सैलानी यहाँ पर गुलाबी सर्दी के बीच यहाँ पर मौसम के आनंद के साथ साथ यहाँ पर देखिए वाटर बैलून लगा हुआ है, वाटर बैलून का भी यहाँ पर मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि शिखा, माउंट आबू जो कि 2023 के स्वागत के लिए पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था, तो जो यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं उनको उनकी जो यादें हैं ऐतिहासिक बनाई जा सके, उनकी यादें ऐसी हों कि वो जीवन भर उन्हें याद रहे कि माउंट आबू में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया था। तो ऐसी ही तैयारियां यहाँ पर की जो नगर पालिका माउंट आबू ने की थी। वहीं होटलों की बात करें तो होटलों में भी जो नाइट डीजे नाइट का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जो माउंट आबू आने वाले तमाम जो पर्यटक है कहीं ना कहीं पार्टी करते हुए भी नजर आ रहे थे। जो हम देखिए यहाँ पर ये जो सैलानी है इनसे कुछ बाद में जानने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए आप लोग? हम राजस्थान भिलवाड़ा से। रात को 31st था, कैसे एंजॉय किया आप सब लोगों ने? बहुत अच्छा मजा आया। हाँ देखिए यहाँ पर जो ये तमाम सैलानी है शिखा, कहीं न कहीं जो माउंट आबू के अंदर जो 31st की नाइट का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। देखिए कुछ सैलानी है यहाँ पर जो अपनी जो यादें हैं सेल्फी के रूप में यहाँ पर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिखा, माउंट आबू में आज पर्यटकों की का बूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चारों ओर पर्यटक ही पर्यटक नजर आ रहे हैं। जहाँ तापमान की बात करें तो तापमान आज जमा बिंदु के करीब था, तो इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो माउंट आबू के अंदर जो पर्यटकों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और नए साल को के मौके पर जो यहाँ जो पर्यटक पहुंचे हैं, देखिए हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भैया कहाँ से आए आप लोग? पेचरा जी। आप ठंड है और ठंड के बीच नया साल कैसे मनाया आपने? मज़ेदार तरीके से एकदम, पार्टी शार्टी करके।
देखिए ये जो युवा हैं कहीं ना कहीं सिक्का कह सकते हैं कि जो यहाँ पर 31st का जो नाइट होती है वो अलग तरह की होती है, क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी के बीच जो पार्टी करने का आनंद है कुछ अलग नजर आता है। जी शिखा बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। जैसलमेर से हमारे साथ सूर्यवीर सिंह भी जुड़े हैं। सूर्यवीर, देखिए व्यवस्थाओं का एक बुनियादी उसूल है, जहां भीड़ होगी वहां पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। किस तरह की व्यवस्था की गई थी न्यूयॉर्क को देखते हुए, क्योंकि लगातार स्वर्ण नगरी भी पहुंच रहे थे पर्यटक, व्यवस्थाएं सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सूर्यवीर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वर्ष 2023 के सूर्य का उदय हो चुका है, उत्साह और उमंग के साथ थोरों की धरती में जिस तरीके से नव वर्ष का जश्न है वो मनाया गया, लेकिन सुरक्षा को लेकर है वो चाक चौबंद है, वो व्यवस्था है वो कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावर खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और तमाम रूप से तमाम RAC बल के तैनात हो या तमाम जो बैरिकेड्स हो हर जगह है उन्होंने लगाए थे, ताकि सुरक्षा में किस तरह से चूक ना हो और जश्न के माहौल में किसी तरह से है वो खलल पैदा ना हो। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो नया वर्ष का जो आगमन हुआ है बहुत सुखमय हुआ है, किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट की घटना या ऐसी कोई घटना है वो घटित नहीं हुई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सैलानियों का हुजूम है वो स्वर्ण नगरी की धरा पर काफी संख्या में है, वो उमड़ा हुआ था, हजारों की संख्या में सैलानी है वो जैसलमेर की धरा पर कहीं ना कहीं है वो पहुंचे थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नववर्ष का जश्न मनाने के बाद अब धीरे धीरे होटल से अपने रिसोर्ट से है वो पर्यटक स्थलों की ओर है, वो सैलानी है वो निकल रहे हैं और लगातार पर्यटन स्थलों का कहीं ना कहीं भ्रमण करते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नववर्ष के आगमन के साथ जो पर्यटन सीजन है वो जैसलमेर में एकदम बेस्ट रहा है। लोगों को 2 साल के कोरोना के बाद उम्मीद थी कि करोड़ों की जो बरसात होगी जो हुई है, कई रिसोर्ट संचालक है, होटल संचालक है, पर्यटन व्यवसायी है वो काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं खड़ा हूँ जैसलमेर के सोनार दुर्ग में, जहाँ तस्वीरें देखिए कि जिस तरीके से अल सुबह जिस तरह से अब धीरे धीरे लोग हैं वो अपने होटल्स रिसोर्ट में जश्न मनाने के बाद निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वर्ण नगरी की ऐतिहासिक स्थलों का है वो भ्रमण करते हुए है वो साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। जिस तरह काफी उत्साह है, उमंग है, क्योंकि वर्ष 2023 का है वो हर किसी ने है वो स्वागत है वो किया है। देश के कोने कोने से सैलानी है वो जैसलमेर है वो पहुंचे हैं और जैसलमेर की पर्यटन स्थलों का है अब लगातार भ्रमण करेंगे, क्योंकि 5 जनवरी तक का जो सीजन है वो बहुत पीक रहने वाला है और लोग खरीदारी का भी है वो जमकर है वो लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर काफी संख्या में जो बाहर जो महिलाएं गहने बेचती है वो तरह तरह के जैसलमेर की कला संस्कृति से रूबरू होने का भी है वो प्रयास करते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि कई VIP लोगों का जमावड़ा है स्वर्ण नगरी की धरा पर है इन दिनों उमड़ा और लगातार जिस तरीके से सैलानियों ने जमकर यहाँ पर खरीदारी की और कहीं ना कहीं जो पर्यटन सीजन में जो पर्यटन व्यवसायों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर नया साल है वो खरा उतरा है। कुछ सैलानियों से बात करते हैं, भाई साहब नव वर्ष का जश्न जैसलमेर में मनाया है कैसा उत्साह भाव लगा? अच्छा लगा, हम नागपुर से आए, अच्छा लगा आकर रौनक देख के, मेला देख के। जैसलमेर जैसलमेर का भी फर्स्ट टाइम इधर आया और घूमेंगे इधर देखने लेके। बिल्कुल जैसलमेर में फर्स्ट टाइम है, कुछ बच्चे हैं, किस तरीके से बेटा कहाँ कहाँ घूमे, कैसा रहा नौ वर्ष आपका? मेरा तो बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट टाइम आया मैं इधर पर, मुझे फर्स्ट टाइम आया मेरे को इधर पे अच्छा लगा, एनवायरमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे इधर का। बच्चों को हो हर जिसे को है वो क्लाइमेट बहुत है वो अच्छा लग रहा है, सैलानी है वो यहाँ पर, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से सैलानी यहाँ पर स्वर्ण नगरी का दीदार करने पहुंचे हैं। भाई साहब कहाँ से घूमने आए हैं, कैसा लगा जश्न? से अच्छा लगा एकदम, नौ वर्ष का जश्न यहाँ बनाया है। हाँ कैसा बनाया? अच्छा बनाया एकदम। किस तरीके से बनाया, किस तरह से इंजॉय किया रात को? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, एक नंबर सही मजा आया। कैसे मजा किया बेटा? बहुत अच्छे से मजा किया। डांस वांस किया रात को? बोर हुआ, अच्छा लगा। अच्छा लगा बच्चों को, हर तरह से देश के कोने कोने से है सैलानी है वो जैसलमेर पहुंच रहे हैं। जी सूर्यवीर, देखिए आपसे मेरा एक और सवाल यहाँ पर रहेगा कि जिस तरह से विदेशी सैलानी तो रिकॉर्ड संख्या में राजस्थान पहुंच ही रहे हैं, बात अगर की जाए रणथंभौर की तो वहां भी सेलिब्रिटी पहुंचे हैं, चाहे बात कैटरीना कैफ की जाए या फिर वरुण धवन की, जैसलमेर को लेकर के क्या जानकारी, क्या वहां भी सेलिब्रिटी कोई पहुंचा है सूर्यवीर? बिल्कुल, स्वर्ण नगरी की धरा पर अब जिस तरीके से नव वर्ष बनाने के लिए बीते 2 दिनों से कई जो VIP आने का सिलसिला लगातार जारी है, सरकारी मेहमानों की अगर बात की जाए तो लगातार वीकेंड का माहौल चल रहा है और वीकेंड के माहौल में जिस तरह से कई सैलानी और कई VIP है वो पहुंच रहे हैं, कई सेलिब्रिटी है वो पहुंचे हैं,
और जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का है, कहीं ना कहीं वो भ्रमण कर रहे हैं। जिस तरीके से आज आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी है वो जैसलमेर पहुंचे हैं और जैसलमेर के मुख्य पर्यटन स्थलों का है वो भ्रमण करेंगे। पैलेस ऑफ व्हील से आज वो जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर पहुंचने के बाद जिस तरीके से उत्साह और उमंग के साथ जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर में भी उन्होंने नौकायन है वो की और जमकर लुत्फ उठाया। और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री जो जैसलमेर के दौरे पर है नागरिक उड़े और लगातार जिसे उत्साह और भाव का देखा जा रहा है। कई जो लोक कलाकार है, देश भर के जो कलाकार हैं वो कहीं यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसलमेर में धमाल किया है। और जैसलमेर के रिसोर्ट्स की अगर बात की जाए तो कई बॉलीवुड जो गायकार हैं वो वहाँ पर प्रस्तुति है उन्होंने दी और नए साल के जश्न मनाने के लिए वो लोग उत्साहित है वो दिखाई दिए। और कई वीआईपी है वो जैसलमेर की धरा पर है वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं और जैसलमेर के अवलोकन भी कर रहे हैं क्योंकि 5 जनवरी तक लगातार जैसलमेर में भारी बूम रहने वाला है क्योंकि 30 और 31 तारीख को जिस तरीके से पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। बिल्कुल सूर्यवीर आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार हम सहयोगी शिव प्रकाश का भी रुख कर लेते हैं, जोधपुर से लगातार बने हुए हैं। शिव प्रकाश देखिए आपसे भी जानकारी लेंगे, इससे पहले हमारे साथ सहयोगी जयपुर से दिनेश तिवाड़ी भी जुड़े हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जयपुर से क्या तस्वीरें, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, यहाँ जिस तरह से लोग लगातार जश्न में डूबे नजर आए, चाहे बात मंदिर की जाए या फिर होटलों की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए, आज क्या तस्वीरें कह रही है जयपुर की, पहला दिन? जी शिखा देखिए कि नववर्ष 2023 के जश्न में लोग कल से ही डूबे हुए हैं। कल देर रात तक हमने तस्वीरें दिखाई जो कि लोग डांस मस्ती में डूबे हुए थे। अब आज की अगर बात की जाए तो 2023 की शुरुआत हो चुकी है और लोग नए साल के शुरुआत में अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देवों की पूजा अर्चना कर, अपने परिजनों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के लिए, दर्शनों के लिए आए हैं और फिर घूमने फिरने के लिए निकले हैं। सर, किस तरह की तैयारी न्यू ईयर को लेकर किस तरह की प्लानिंग की है? देखिए, आज 2023 है और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन के लिए आए, सब के माता पिता का आशीर्वाद लिया और आज अभी जयपुर के आराध्य देव दर्शन करके और सभी खुश रहे इसकी कामना करने के लिए हम यहाँ पे आए। अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करने निकले हैं लोग, भगवान को मना रहे हैं तो घूमने फिरने निकले हैं। जी सर, आज मैं सुबह से क्या है कि घूमने वास्ते निकला था, यहाँ सिटी पैलेस में भी पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग बाग अपने जो जयपुर के गोविंद देव जी के भी दर्शन कर रहे हैं, पूरे रास्ते जाम है, चारों तरफ लोगों में उत्साह बहुत है। सन 2023 को लेकर के लोग बाग घूमने फिरने निकले, परिवार के साथ निकले हैं, लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है, काफ़ी उत्साहित है 2023 को लेकर, नए साल को मना रहे हैं, अपने परिजनों के साथ निकले हैं, छोटे बच्चे बुजुर्गों के साथ लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए निकले हैं, घूमने फिरने के लिए निकले। जी, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023? फैमिली के साथ सब गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए निकले हैं और हम सब मस्ती कर रहे हैं एक साथ। इस जगह बेटा कैसे मना रहे हो 2023 की शुरुआत, कैसे कर रहे हो, किस तरह मना रहे हो? जय जय के दर्शन करते हैं, गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं। कहाँ पे आए हो? तो बिल्कुल लोग आराध्य देव गोविंद जी के दर्शन के साथ ही पहले दिन की शुरुआत नववर्ष की कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश जोधपुर से बने हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं का अब रुख कर लेते हैं। शिव प्रकाश देखिए आपसे जानकारी चाहेंगे, सूर्य नगरी है जोधपुर, क्योंकि सर्दी का सितम प्रदेश में जारी है, ऐसे में वहाँ जो है तापमान कुछ कम है, कुछ राहत लोगों को मिली है तापमान क्योंकि बड़ा वहाँ पर, तो सूर्य नगरी जोधपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से और क्या खास कार्यक्रम आयोजित किए गए, चाहे बात मंडोर की जाए, जोधपुर में लगातार सैलानी आते हैं। शिव प्रकाश, जी निश्चित रूप से अगर बात जोधपुर की जाए तो यहाँ पर्यटकों के स्वागत के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ था। देर रात तक पुलिस प्रशासन जो है सड़कों पर रहकर पर्यटकों की सुविधा हो ऐसे प्रयास किए जा रहे थे। मंडोर गार्डन हो, चाहे मेहरानगढ़ दुर्ग हो, चाहे जसवंतथड़ा हो, सभी जगह लाखों पर्यटक है वो यहाँ पहुँचे थे। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से पर्यटकों ने यहाँ आनंद लिया है, किस तरह से वो यहाँ आए हैं। और अगर सर्दी की बात करें तो इस बार जोधपुर में उस तरह की ठंड नहीं पड़ रही है जिस तरह की पड़ रही है। आप कहाँ से आई हैं और क्या आपने जोधपुर घूमा है?
मैं यहाँ जोधपुर की निवासी हूँ, सूर सागर की रहने वाली हूँ। कुड़ी बक्ताश हाउसिंग बोर्ड मेरा। यहाँ आज किस लिए आए हैं? ऐसे ही बच्चों को घुमाने के लिए। मेरा तो देखिए नए साल की शुरुआत है, माँ चामुंडा के दर्शन जो है उन्होंने किया है, और भी कुछ। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से जोधपुर में आपने घुमा है नए साल? सर मैं डीडवाना के पास गांव से आया हूँ, जब 31st मनाने जब जोधपुर आया था, और यहाँ मेहरानगढ़ देख के अच्छा लगा। नए साल का जश्न कैसा रहा आपका? क्या जोधपुर में कोई असुविधा हुई आपको या किस तरह से? नहीं सर, कोई असुविधा नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा यहाँ देखने को। आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से जोधपुर नए साल का जश्न मनाया आपने? नहीं, यहीं घूम के मना रहे हैं नए साल का जश्न। कल जो है किस तरह की यहाँ जोधपुर की जो आमतौर पर सूर्य नगरी है, सर्दी हालांकि इस बार नहीं है। एक तो यहाँ साफ सफाई बहुत बढ़िया है, यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, कर्मचारी वगैरह सब बहुत पोलाइट हैं, और यहाँ के अच्छा लगा। दो दिन से यहीं घूम रहे हैं, आज तो वापस जाने का प्रोग्राम है। देखिए यहाँ आने वाले सैलानियों ने कहा है कि यहाँ सफाई व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, जो कहीं कहीं मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, तो निश्चित रूप से यहाँ सैलानी जब आते हैं तो प्रशासन का भी प्रयास रहता है कि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रशासन की बात करें, चाहे यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट की बात करें, तो कुल मिला के कहा जा सकता है हर कोई चाहता है कि यहाँ आने वाले सैलानी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और यही कारण है कि सैलानी जोधपुर आना पसंद करते हैं। और नए साल का जश्न भी लाखों सैलानियों ने यहाँ मनाया है, पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था भी हुई थी, और आज सुबह से ही अब पर्यटक स्थल है वहां लोग घूम करके नए साल का जो है जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापत भी लगातार बने हुए हैं। कमलेश, अब आप ही का रुख करना चाहेंगे, देखिए आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि 2 साल तक कोरोना की पाबंदियां सभी ने झेली, ऐसे में जब 2 साल के बाद पाबंदियां हटी हैं तो किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है बीते वर्ष के मुकाबले? अगर इस वर्ष की बात की जाए तो कितना उत्साह सैलानियों में, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या विशेष आयोजन इस बार माउंट आबू में किए गए? देखिए शिखा, बीते साल जहां कोरोना का असर देखने को मिल रहा था तो टूरिज्म इंडस्ट्री पर इस पर फर्क पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार उत्साह में कोई कमी नहीं है। आप देखिए जहां देखें वहां पर्यटक ही पर्यटक नजर आ रहे हैं। पर्यटक यहां पर नक्की झील के पाल पर जो सुंदर तस्वीरें हैं, सुंदर नजारे यहां पर नजर आ रहे हैं, उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो माउंट आबू के अंदर जो है सर्दी के इस सीजन में नए साल का जो स्वागत है कुछ इस अंदाज में किया जा रहा है कि जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो यहां पर कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये जो नक्की झील की जो पाल है, इस पाल के किनारे पर बैठकर जो पर्यटक है वो आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर कहाँ से आए आप लोग? अंकलेश्वर से। कैसी ठंड है और नए साल का कैसे स्वागत कर रहे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया। देखिए यहाँ पर कुछ और भी है पर्यटक, इनसे भी बात करने हैं। मैडम कैसा मनाया नया साल, कैसे शुरुआत हुई आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। आपकी क्या कैसे रात को क्या पार्टीज वगैरह कैसे हुई? देखिए जश्न का माहौल इतना था कि ये जो पर्यटक बैठे हैं शिखा, उन्हें याद नहीं कि हमने पार्टी में क्या क्या किया है, लेकिन जो कह सकते हैं कि शिखा माउंट आबू के अंदर जो है खास तौर पर जिला प्रशासन, नगर पालिका और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जो माउंट आबू का जो पोलो ग्राउंड है वहां पर आने वाले पर्यटकों को कह सकते हैं कि आकर्षित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मेगा कल्चरल नाइट का आयोजन किया गया था और सिंफनी बैंड की प्रस्तुति यहां पर दी गई थी। तो तमाम जो ये इलाके देख सकते हैं, इन इलाकों में यहां पर जो पर्यटक है घूमने का आनंद ले रहा है। दूसरा एक नजर दिखाना चाहूंगा, जो ये ऐतिहासिक नक्की झील है, इस नक्की झील के अंदर आप देख सकते हैं जो पर्यटक है कहीं ना कहीं बोटिंग करके यहां की जो गुलाबी सर्दी है उसका आनंद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिखा माउंट आबू का के अंदर आने वाला जो पर्यटक है आज नया साल मनाता हुआ नजर आ रहा है, और जो अपने खूबसूरत पल है वो कैमरे में भी कैद करता हुआ नजर आ रहा है। जी शिखा। जी हाँ कमलेश, हम देख पा रहे हैं नक्की झील पर किस तरह से पर्यटक जो हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जैसलमेर से सूर्यवीर भी लगातार बने हुए हैं। सूर्यवीर, अब आप ही का रुख कर लेते हैं, देखिए आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितना उत्साह इस बार पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों में देखा गया, क्योंकि जिस तरह से पाबंदियां हटी हैं तो किस तरह का उत्साह पर्यटकों में जैसलमेर में नजर आया सूर्यवीर आपको? बिल्कुल, 2 साल की कोरोना की जो पाबंदियां थी, जो पर्यटन को काफी नुकसान पहुंचा था, उस नुकसान को कहीं ना कहीं उबार कर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि काफी संख्या में जो सैलानी है वो जैसलमेर की धरा पर आए हैं।
और सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का हुआ है कि देसी जो सैलानी है जो 90% से अधिक है वो इस बार जैसलमेर की धरा पर है, वो पहुंचे हैं और जैसलमेर का दीदार करने पहुंचे हैं। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि विदेशी सैलानियों हैं वो जैसलमेर की धरा पर पहुंचते हैं और लोगों को इंतजार रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति है वो देसी सैलानियों ने इस बार है वो पूरी कर दी है। क्योंकि देश के कोने कोने से लगातार है, पूरे दिसंबर से लगातार आने का सिलसिला जारी रहा, वो लगातार बढ़ता ही गया और जैसलमेर बहुत पसंदीदा क्षेत्र है वो उभर कर सामने आ रहा है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करें तो जैसलमेर बहुत ही लोगों को अब पसंद आना शुरू हो चुका है और कई जो बड़ी बड़ी शादियां है वो हो रही है और होने भी वाली है। कई अभिनेत्रियों की भी आगामी दिनों में शादी होने की सूचनाएं है वो सामने मिल रही है, बॉलीवुड कलाकारों की शादी होने की सूचना मिल रही है और कुछ दिन पहले कई बॉलीवुड कलाकार भी है वो जैसलमेर की धरा पर पहुंचे थे और कई मूवी की शूटिंग भी आगामी दिनों में होने वाली है। 2 साल की पाबंदियों के बाद ये तस्वीरें सेलिब्रेशन की बेहद ही खुशनुमा और बेहद ही उत्साहित करने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।